प्रेजेंट डुगरिया फिल्म्स डेगाना सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में नमन, गुरुदेव रे चरणों में नमन, इष्ट माँ भवानी माँ स्वरूप और कुलदेवी नागण राय रे चरणों में नमन। गौ माता रे चरणों में नमन, अच्छिना जी महाराज रे चरणों में कोटि कोटि वंदन। बाबूजी राठौड़ और गायर रखवाड़ा वीर तेजा जी महाराज रे चरणों में कोटि कोटि वंदन का राज। गौ माता की भक्ति सिंध आगे बढ़ाओ। जितना वजन जितना ज्ञान आप लोगों ने दी, आप लोगों ने सुन और समझो, जितो सीखियो हूं वही आप लोगों ने सुनाने और समझाने की कोशिश करूंगा। इन बीच में कोई गलती हो जावे तो आप छोटो भाई और बच्चों समझ समा कर दीजिएगा। धन्यवाद। पहले गुरु को चरण वंदना, पहले गुरु को चरण वंदना, श्री गणेश मनाऊं मैं। पहले गुरु को चरण वंदना, श्री गणेश मनाऊं मैं। स्वर संगीत कला की देवी शारद माँ को धाऊं मैं। आन बसो स्वर ताल कंठ में, आन बसो स्वर ताल कंठ में, हाथ जोड़ अरदास करूं। ना कवि गायक ना मैं ज्ञानी, श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूं। ना कवि गायक ना मैं ज्ञानी, श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूं। गौ माता के भक्तों तुमको भजन सुनाता हूं। नाथ संप्रदाय रे अच्छिनाथ जी महाराज रे इन पावन दरबार में आज गौ माता री भक्ति सिंध्या ने आगे बढ़ाऊं। वो संप्रदाय जो सदिया सु भारत री इन पवित्र धरारे माथे इन भगवी ने ले चले और अपारे सनातन धर्म री रक्षा करता आया। एक बार सच्चे दिल सु जितना भी भक्तजन विराजुड़ा है भगवान भी जय घोष करेला। बोली अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, बोली अच्छिनाथ जी महाराज की, बोली गुरु गोरखनाथ महाराज की, भर्तहरि महाराज की, बोली गौ मात की, बोली तेजा जी महाराज की, बोली वीर बाबू जी राठौड़ की। जय हो आप भक्तों की जय हो। हमारे इन सत्संग मायने तैतीस कोटि देवी देवता और अपारा कुल देवी कुल देवता और जितना भी साधु संत इन धरती रे माथे तपदारी हुआ है उन समान इन सत्संग मायने बुलावा कि हे भगवान आज सत्संग माँ गायारी रक्षा करने वास्ते आज सत्संग रखवाई हो ताकि जितना भी सनातन और जितना भी सनातन संस्कृति और भारतवर्ष में रेवण वाला और हमारा मेवड़ा गांव में रेवण वाला सभी भक्त गौ माता री रक्षा रे वास्ते तत्पर खड़ा रहे और आज इन भक्ति संध्या सु वो इन बातों निर्णय कर जावे, इन बातों प्रण ले जावे कि मैं आज रे बात। वैसे मुझे पता है कि जितने भी भक्तजन यहाँ पर विराजे हैं वो सभी गौ के परम भक्त हैं, इसलिए इस भक्ति संध्या में पधारे आप सभी का बहुत आभार। लेकिन आज इस भक्ति संध्या में हम लोग प्रण लेंगे कि हमारी वजह से कभी गाय को कष्ट नहीं होगा,
और अगर किसी और की वजह से भी गाय को कष्ट होता देखा तो उसकी रक्षा के लिए सबसे पहले हम खड़े होंगे। एक बार सभी लोग प्रेम रूपी दोनों हाथ खड़े करके एक जयघोष करेंगे। बड़ी गौ मात की, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर से गुरु बड़ा तुम देखो वेद पुराण, परमेश्वर से गुरु बड़ा तुम देखो वेद पुराण, शेख फरीदा ये कहे कि गुरु घर है भगवान, धोबी शिष्य कापड़ा और साबुन सिरजनहार, सुल्फ शिला पर धोबी ने जद निकले मेल अपार। सत्संग रे भाई ने अपारा गुरुदेव और 33 कोटि देवी देवता और जितना भी वीर पुरुष गाय रहे वास्ते इन धरती रे माथे अमर होया। कोई वचन दे गयो कि मैं गायों ने बचाने वास्ते जा रहे हूं और अगर जीव तो रूला तो आप रे मिलन वास्ते जरूर आऊंगा। और नाग देवता ने वचन दे, तेजा जी महाराज इन धरती रे माथे अमर हो गया। कोई आपरा फेरा आदमी में छोड़ और गाया ने बचान वास्ते आयो और एडा साधु संत सदिया सो इन धरती रे माथे गायो री और सनातन धर्म री रक्षा करे, तो इन सभा ने इन सत्संग रे भाई ने बुलावा और कहवा अरे आवणो पड़ेला सतगुरु, आवणो पड़ेला आजरी जागरण में, थोड़ा थोड़ा तालियों से साथ देंगे ताकि भक्ति संध्या और वास्तव में गुरुदेव इन धरती माथे पधार और अपार उदार करे। हे आवणो पड़ेला सतगुरु, आवणो पड़ेला, हे आवणो पड़ेला दाता पधारणो पड़ेला, आजरी जागरण में आवणो पड़ेला। जागण में थाने आवणो पड़ेला, अरे मेवड़ा में जागण जागे आवणो पड़ेला, ए गौमा तारी जागण जागे ए आवणो पड़ेला, आजरी जागण में थाने आवणो पड़ेला।
आजरी जागण अरे मेवड़ा में जागन जागे गौ माता जी जागन जागे ये आवड़ो पड़ेला हाजरी सत्संग में थाने पधारो जारे युगा में राजा भली चंद आया की जारे युगा में राजा भली चंद आया ये हाथ करोड़ साधु तार करोड़ तपसी तार आजरी जागण आने आवनो पड़ेला ए पधारनो पड़ेला साधु आवनो पड़ेला ए गौमा ताई जागण जागे आवनो पड़ेला आजरी जागण आने आवनो पड़ेला पहले जब कपड़ा चेंज कर रहे तो भाई साहब कहवे कि थोड़ा जल्दी आ लो पब्लिक जावे परी भाई लोग आयोडा सब जावे ला रहा। अरे 2000 वर्ष पूर्व नाथ संप्रदाय के अच्छीनाथ जी महाराज भरतहरि के शिष्य जिन्होंने यहां पर अपना धुना धारा और आज वो 2000 वर्ष बाद भी जब देखा उस मठ को वो मठ सलामत है उसका एक खंभा तक नहीं हिला तो इस गांव के और इस मठ की राख को अपने ललाट पर लगाने वाले लोग क्या पूरी रात्रि यहाँ पर बैठकर भजन नहीं सुन सकते? कौन कौन भजन सुनने आया यहाँ पे एक बार खाद कड़ा करे पता चले क्या बात है। और मुझे पता है कि गौ माता की भक्ति संध्या में आए हैं तो जरूर तेजा जी और बाबू जी महाराज को जरूर जानते होंगे जो वचन देकर गए और वचन पर अडिग रहे और आज भी हजारों वर्ष बाद सैकड़ों सदियों बाद आज उनको हम याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने गौ माता के लिए अपना रक्त बहाया। ऐसी पवित्र भक्ति संध्या में आप लोग बैठे हैं। भजन संध्या हमेशा होती है लेकिन जब गौ माता की भजन संध्या हो तो उसमें ऐसा सहयोग करें ताकि आसपास बैठी हुई गाय को ऐसा ना लगे कि ये इंसान मेरे नाम का ढोंग कर रहा है, उसको ये लगना चाहिए कि ये इंसान दिल से मुझे प्रेम करता है, तब गाय को बचा पाएंगे। बोले गौ माता की। अरे तू जा रे युगा में राजा हरिश्चंद्र आया ए नवरे करोड़ साधु तारना नवरे करोड़ तपसी तारना पड़ेला जरी जागण में पड़े पधारणो पड़ेला सतगुरु आवनो पड़ेला आवनो पड़ेला रे दादा पधारणो पड़ेला गौ माता री जागण Thank you.
माथे विराजमान बोले लक्ष्मणनाथ जी महाराज की जय हो। अरे गुरु सरीखा देव हमारे मन भावे, हमारे मन भावे, हमारे मन भावे, गुरु का डोरे भर महाराजा।
सत्संग में थाने आवणो पड़े आवणो पड़े गौ मात की बड़ी अच्छी राजी महाराज की जय हो। आप भक्तों की जय हो। हेलो